वेलकम फ्रेंड्स, सीएसआईआर नेट दिसंबर 17 सेट बी क्वेश्चन नंबर 47 के सॉल्यूशन में आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत सारे फ्रेंड्स की क्यूरीज थी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बट इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना है, प्रॉब्लम कहाँ हो गई, क्योंकि इसमें इन्फिमम और सुप्रीमम हो गया, ठीक है। यूलर लैग्रेंज थ्योरम का एक प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया, इन्फिमम को दे दिया है और सुप्रीमम क्या है, तो इन्फिमम और सुप्रीमम को हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे सेट भी दिया है जो आपका क्लोज सेट है, यहाँ में रखिए, दैट इज सेट इज द क्लोज। तो एक जनरल फ्रेंड्स बताऊंगा मैं अभी, इस पे नोट्स बना रहा हूँ इन्फिमम और सुप्रीमम को, जैसे ही बन जाएगा अच्छे से तो मैं आपको जरूर डिलीवर करूंगा। सुप्रीमम इन्फिमम क्या है, अगर क्लोज सेट है जो सबसे लोवेस्ट वैल्यूज होगी उसमें सबसे छोटी होगा इन्फिमम हो जाएगा, और जो सबसे सुप्रीमम जो लार्जेस्ट होगा वो इन्फिमम हो जाएगा, बट फॉरेस्ट सेट क्लोज सेट, ठीक है। एक जनरल तो पहला थिंकिंग है कि हमें जो इस जे यू की वैल्यू को फाइंड करना है, देन गो फॉर द अनदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड टॉपिक क्या है, हमें इस जे यू की वैल्यू को फाइंड करना है, तो फर्स्ट इज हियर व्हाट, ये क्या है, हमें इसके लिए वर्क करेंगे, बाद में हम जे यू को डिसाइड कर लेंगे क्या है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपका यूलर लैग्रेंज थ्योरम्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब जो पॉइंट्स होगा ओनली डिपेंडेंट ऑफ वाइडस, ठीक है, मीन्स जो अवेलेबल होगा ओनली वाइडस अवेलेबल हो, डिपेंडेंट हो मतलब इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, इन डिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, तो सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, या जो वैल्यू होती है, तो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, हम फाइंड कर लेते हैं y इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, जब अभी कोई फंक्शन गिवन हो और वो सिर्फ ओनली डिपेंड्स y डैस पे, इनडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, तो उस केस में इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है हमारा, y इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू, मतलब विच इज रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ओके। कुछ नहीं करना है आप, या तो वन बाई वन करेंगे तो भी होगा, बट इज हियर तो मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन, तो हियर आ जाइए, दैट इज अ ओनली यू डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू डैश जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, क्योंकि जो भी अनदर वेरिएबल्स हो डजेंट मैटर, एक्स है और क्या यू अवेलेबल्स है, एक्स यू एंड यू डैश, ठीक है, दैट इज अ वैल्यू एट यू एक्स एंड यू डैश, दैट वैल्यू, बट ओनली यू एक्स अवेलेबल नहीं है, ओनली यू डैश है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, यू एक्स इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू अकॉर्डिंग टू दिस, इसका यूज कर लेंगे तो हमें सिर्फ यू एक्स इक्वल टू मिल जाएगा सी वन एक्स प्लस सी टू, समझ में आ रही बात आपको, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो यू एक्स है ये अवेलेबल ही नहीं है, तो यू डैश अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे वाई डैश अवेलेबल था, तो फार्मूला, ये फार्मूले हैं इनका यूज। अब बाउंड्री कंडीशन जो गिवन है उसको अप्लाई कर लीजिए, u of 0 equal to 0, so put here, so now c2 equal to 0, u of 1 equal to 0, so here c1 is also 0, means jo ux mil gaya hamara kya hai, ux equal to 0, u dash x equal to 0, theek hai, so now ab ju, kyunki hamara jo work hai ju ke liye hai, not u ke liye hai, theek hai, dhyan mein rakhiyega aap, so this is 0 to 1 e raise to 0 dx, only x 0 to 1, matlab to j of u is equal to 1, theek hai, and here u belongs to 0 to 1 close intervals, to j u matlab ye hai, to it means kya hai, ye supremum hai jo is range mein decide kar raha hai, j equal to 1 that is a supremum, ठीक है, यहाँ पे सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट इनफिमम, ध्यान में रखिए, हियर विच इज द सुप्रीमम है, कह सकते हैं आप सुप्रीमम ऑफ, ठीक है, इज सुप्रीमम, सुप्रीमम, ठीक है, दैट इज द सुप्रीमम, बट हियर एग्जिस्ट इनफिमम क्या है, दैट फॉर दैट सेट इनफिमम इक्वल टू जीरो,
सुप्रीमम इज इक्वल टू वन, ठीक है. सो दैट इज सुप्रीमम. सो और सुप्रीमम इनफिमम इज जीरो बट हियर इज वन. तो इट मीन्स क्या हो गया कि हियर जे डज नॉट अटेन इट्स इनफिमम. दैट इज द करेक्ट. जे अटेन इट्स इनफिमम इट यूनिक्स नो, क्योंकि यहां पे दैट वैल्यू इज वन विच इज रिप्रेजेंटेड द सुप्रीमम वैल्यूज. सो दैट इज रॉन्ग. अटेन इनफिमम एट एग्जैक्टली टू सेट. फॉर टू अगर कोई सेट गिवन हो इनफिमम और सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट होता है सो दैट इज द यूनिक नॉट मोर. दैट इज हियर एग्जैक्टली टू. सो इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज विच इज गिवन द सेट. जे अटेन दैट इज इनफिमम इनफाइनाइटली मेनी वे. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो दैट इज द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. So, taken given the also feedbacks and comments, share, likes and आप जरूर बताएं आपको कैसे लगते हैं, कैसे methods जो हैं जिससे और help हो और better कर सकूं मैं. और आप एक दूसरे से share करें. Friends, take care, thank you. अगर आपने subscribe नहीं किया मेरे channel को तो subscribe करना ना भूलें. Take care, thank you.